जय माता दी दोस्तों, 28 सितंबर शनिवार को पितृ पक्ष समाप्त हो रहा है। पितृ पक्ष पूर्णिमा से आरंभ होकर अमावस्या को समाप्त होता है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा संयोग है कि इस दिन शनिवार पड़ रहा है। शनिवार और अमावस्या के संयोग से 28 तारीख को शनि अमावस्या पड़ रही है। इससे पहले दोस्तों 1999 में इस तरह का संयोग बना था। दोस्तों, शनिवार और अमावस्या का ये जो संयोग बन रहा है, इस दिन आप पितरों की विदाई को अपने लिए सौभाग्यशाली बना सकते हैं। इस दिन कुछ बड़े आसान उपाय करके आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और भगवान शनिदेव की कृपा भी पा सकते हैं। आपको बता दें कि इस दिन पीपल के पत्तों पर 5 तरह की मिठाइयों को रखकर पीपल की पूजा करें और पितरों से प्रार्थना करें कि वह हमेशा आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, बता दें कि पितर अगर संतुष्ट होकर अपने लोग जाएंगे तो आप इस धरती पर पूरे साल आनंद और सुख से रहेंगे। आपके रोग में कमी आएगी, आपके सभी काम आसानी से बनते रहेंगे, साथ ही धन की वृद्धि भी होगी। दोस्तों, शनि अमावस्या के दिन कभी भी गरीब और असहाय लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। शनिदेव असहाय लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए इसे आप अपनी आदत में जरूर बना लें। शनि अमावस्या पर जल सेवा करना बहुत ही शुभ माना गया है। जल में शक्कर मिलाकर लोगों को पिलाएं। जल सेवा से तृप्त होकर पितर अपने लोग जाते हैं। दोस्तों, शनि और अमावस्या का खास योग बनने के कारण भगवान शनिदेव अपनी कृपा कुछ राशियों के ऊपर बरसाने वाले हैं। आखिर ये राशियाँ कौन सी हैं और इन्हें क्या लाभ होने वाला है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जिन राशि वालों की हम बात कर रहे हैं, उन्हें आने वाले दिनों में धन की प्राप्ति हो सकती है तथा नौकरी मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आप कोई धार्मिक कार्य में भाग लेने जा सकते हैं। आपके पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। आपको आय के नए साधन स्थापित होंगे। आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा। आपको कोई अच्छी खबर अब मिल सकती है जिससे आपकी किस्मत चमक उठेगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। व्यापार में धन लाभ होगा। किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा। इस राशि के लोगों को शनि अमावस्या पर कई प्रकार की खुशियाँ मिलेंगी। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, आपको सफलता भी उतनी ज्यादा मिलेगी। इसलिए आप सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य करते रहें और मेहनत भी करते रहें। आपके अच्छे फैसलों से अधूरे काम आपके बनते चले जाएंगे। परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। आपके लाभ प्राप्ति के विशेष योग बनने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन राशियों की हम बात कर रहे हैं, वे राशियां हैं मिथुन राशि, मकर राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।